मित्रों अपना शास्त्रों तेमज पुराणों में आजना समय विषे घणु बधु लखायेलू छे। आजना कलियुगनो वर्णन तेमज हजी पण केवा भयंकर दिवसों आवशे एना विषे पुराणों तेमज ग्रंथों में घणो विस्तार थी उल्लेख करवामां आव्यो छे। पुराणों में जणावामां आव्युं छे के कलियुग में राजाओ चोर बनी जशे अने चोर राजा बनी जशे। नेताओ लोकोना तमाम हक्को छीनवी लेशे। जेना पासे कोई पण जातनो ज्ञान नहीं होय एने पण दुनिया विद्वान समझशे। कलियुग में स्त्रीओनी हालत साव दयनीय थई जशे। पाप एटलो वधी जशे के धरती माता पण पोतानो प्रकोप बतावशे। माणस प्रकृतिनो एटलो नुकसान करशे के एक दिवस एवो आवशे के आ सृष्टि माणसनो अस्तित्व ज समाप्त करी देशे। पृथ्वी पण बीजा ग्रहोनी जेम निर्जीव घोड़ा जेवी थई जशे। ग्रंथों तेमज पुराणों में आवी तो अनेक वातोनो विस्तार थी उल्लेख करवामां आव्यो छे। आजना आ वीडियो में आपणे आवी ज वातो उपर विस्तार थी चर्चा करवाना छीए। बधी ज वातो आपणा ग्रंथों तेमज पुराणोना अनुसार कहेवामां आवशे। माटे खाली 10 मिनिटनो समय काढीने आ वीडियो ने छेले सुधी जोवा तेमज लाइक अने शेर करवा खास विनंती। मित्रों आजना समय तेमज हजी पण आवनारा समयनुं आपणा पुराणों अने ग्रंथोमां विस्तारथी वर्णन करवामां आव्यो छे, जेमांथी जेटली वातो भयंकर अने कठोर छे एनो समावेश आ वीडियोमां जोवा मळशे। ग्रंथोमां वर्णन करवामां आव्यो छे के कलियुगमां संतानोने जनेताना पेटमां ज मारी नाखवामां आवशे। आवुं आजना समयमां थई रह्युं छे। घणा एवा लोको होय छे जे बाळकने जन्म पहेला ज माताना उदरमां मारी नाखे छे, जेने आपणे भ्रूण हत्या पण कहीए छीए। आगळ लखवामां आव्युं छे के लोको हमेशा खोटा विचारोने प्राथमिकता आपशे। सत्य बोलवुं अने सत्य सांभळवुं कोई पण व्यक्तिने नहीं गमे। आपणे बधा जाणीए ज छीए के आजनो माणस हमेशा खोटा विचारोने प्राथमिकता आपे छे। आजे घणा ओछा लोको होय छे जे खोटा कामोथी दूर रहता होय छे। आजना माणसोमां सत्यनो पण घणो अभाव छे। आजे सत्य बोलवुं तेमज सत्य सांभळवुं कोई पण व्यक्तिने गमतुं नथी। आगळ उल्लेख करवामां आव्यो छे के कलियुगमां एक समय एवो आवशे के कोई माणस कोईनो विश्वास नहीं करे। माणसो भूखथी पीड़ाशे, खावा पीवाना वांधा हशे, तेमज दरेक व्यक्ति मानसिक रीते भयथी भरायेलो हशे। कलियुगमां वरसातमां अनियमितता जोवा मळशे। कोई वर्षे दुष्काळ जेवी हालत ऊभी थशे तो कोई वर्षे पूर आवी जशे एटली भयंकर वरसाद थशे। कलियुगनो मध्य भाग आवता आवता तमाम लोको पापना सहारे जीवशे अने त्यारना तमाम माणसो अश्लील भाषानो उपयोग करशे। आपणा ग्रंथोमां लखवामां आव्युं छे के जेने पण जन्म मळ्यो छे एनो मृत्यु निश्चय छे। आवी रीते आपणी धरतीनो पण एक दिवस अंत थवानो छे। विष्णु पुराणमां जोवा मळे छे के आ धरतीनो अंत त्रण रीते थई शके छे। पहेला सिद्धांतमां जणावामां आव्युं छे के सौथी पहेला दक्षिण महासागरमां विस्फोट थशे। आनाथी पृथ्वी ऊपरना पाणीनो जथ्थो सुकावा लागशे। पाणीना अभावना कारणे भयंकर दुष्काळो पड़शे। नदीओ महासागरो तेमज जमीन नीचे रहेलो पाणी सुकावा लागशे। बाकी वधेला पाणीने सूर्यनो ताप बाष्पी भवन रूपे सुकावी नाखशे। आमा पृथ्वी उपरना तमाम जीवोनो अंत आवशे अने पृथ्वी एक निर्जीव घोड़ा माफक बनी जशे। सूर्यना भयंकर तापथी तमाम जंगलो अने वनस्पतिओ पण सुकाई जशे। आ पृथ्वी काचबानी खाल जेवी कठोर थई जशे। दुनियाना विनाशनो बीजो सिद्धांत आवी रीते छे। विष्णु पुराणमां उल्लेख करवामां आव्यो छे के धरती नीचे रहेल सापोना मोढामांथी ज्वाळा निकळशे, जे सौथी पहेला पाताळ लोकने भस्म करी देशे अने पछी आ भयंकर अग्नि ज्वाळा पृथ्वी उपर फाटी निकळशे। वातावरण भयंकर अग्निनी लपेटमां आवी जशे। अत्यंत भयंकर आगनो विस्फोट थशे, जेनाथी जीव जंतुओ अने दुनियानी तमाम वस्तुओनो विनाश थई जशे। आ अग्निना विस्फोटमां जीवित अने निर्जीवित तमाम प्रकार भस्म थई जशे। विष्णु पुराणमां दुनियाना विनाशनो त्रीजो सिद्धांत आवी रीते उल्लेखवामां आव्यो छे। दुनियाना विनाशना त्रीजा सिद्धांत अनुसार
घनघोर वादड़ाओ भयंकर रीते पृथ्वीना वातावरण ने ढाकी देशे, जेनाथी आखी दुनिया में अंधारो छवाई जशे। वादड़ाओ भयंकर रीते एक बीजा में अथड़ाशे, जेना आवाज मात्र थी नाना जीव जंतुओं विनाश थशे। वादड़ाओना भटकावानो आ आवाज भूकंप थी पण वधु नुकसान करशे एटलो भयंकर हशे। वादड़ाओ में अति भयंकर वीजळीना कड़ाका थशे, जे दुनियाना घणा खरा जीवोनो भोग लेशे। वीजळीना भयंकर तांडव थी मोटा भागना माणसोनो विनाश थई जशे, अने आना पछी सतत 12 वर्षो सुधी भयंकर वरसाद थशे, जेमा दुनियाना तमाम वधेला माणसोनो पण अंत आवशे। आखी दुनियामां अंधकार छवाई जशे अने पृथ्वी एक वीरान दरियामां समाई जशे। आम विष्णु पुराणमां दुनियाना विनाशना त्रण भयंकर सिद्धांतोनो उल्लेख करवामां आव्यो छे। भगवत गीतामां उल्लेख करवामां आव्यो छे के जेनो आरंभ छे एनो अंत पण छे। प्रत्येक जन्मेला जीवोने एक दिवस मृत्युना शरणे जवुं निश्चित छे। प्रकृतिनो पण जेम उदय थाय छे एम ज अंत पण निश्चित छे, एम ज आखी सृष्टिनो पण एक दिवस अंत आवानो नक्की छे। एक निश्चित काळ अंतरे युग परिवर्तन थवुं ई पण सृष्टिनो नियम छे। काळ अंतर एटले चार युगोनो समय, जेने काळ चक्र पण कहेवामां आवे छे। एक काळ चक्रमां चार युगोनो समावेश थाय छे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग अने कळियुग। आ चार युगोना समय अंतरने एक काळ अंतर अथवा एक काळ चक्र कहेवाय छे। हमणा समय अंतरनो आ 22મો ચક્ર ચાલી રહ્યો છે। કળિયુગના અંત પછી આ સૃષ્ટિનો ફરીવાર ઉદય થશે અને સમય અંતરનો 23મો કાળ ચક્ર ચાલુ થશે। આનાથી પહેલા 21 વખત આ ચાર યુગોના આરંભ અને અંત થઈ ચૂક્યા છે। હમણા સૃષ્ટિનો 22મો કાળ ચક્ર ચાલી રહ્યો છે। સૃષ્ટિના 22માં કાળ ચક્રના વિનાશ વિશે પણ આપણા ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે। કળિયુગના વિનાશનો ઉલ્લેખ આપણા શાસ્ત્રોમાં થયેલ છે। આપણા શાસ્ત્રોમાં કળિયુગનો સમય 4,32,000 વર્ષોનો દર્શાવવામાં આવ્યો છે। કળિયુગની શરૂઆત 3102 ઈસા પૂર્વથી થઈ છે અને હમણાં 2021નો વર્ષ ચાલુ છે। આમ કળિયુગ શરૂ થયાને 5,120 વર્ષ થયા છે અને કળિયુગનો અંત થવામાં હજી 4,26,880 વર્ષોનો સમય બાકી છે। આટલા સમય પછી 22માં કાળચક્રના કળિયુગનો વિનાશ થશે અને સૃષ્ટિ 23માં કાળચક્રમાં પ્રવેશ કરશે। ફરીવાર સતયુગની સ્થાપના થશે। જ્યારે ઘોર કળિયુગ આવશે ત્યારે નદીઓના પાણી સુકાઈ જશે, ખાવા પીવાની ભારે અછત હશે। ખાવા પીવાની અછતના કારણે માણસ માણસને મારશે અને એનો ભોજન તરીકે ઉપયોગ કરશે। મનુષ્ય ગુણો નષ્ટ થઈ જશે અને ચારે બાજુ પાપનો પગપસારો થઈ જશે। આ સમયે સાચા સંબંધો જેવી કોઈ વાત જોવા નહીં મળે। માણસોની ઉંમર પણ માત્ર 12 વર્ષ રહી જશે। 5 વર્ષની છોકરીઓ સંતાનને જન્મ આપશે। ચારે બાજુ અંધકાર અને પાપ છવાઈ જશે। માણસની મનોવૃત્તિ હિંસક પ્રાણીથી પણ વધુ હિંસક થઈ જશે। શ્વાસ લેવા માટે સાફ હવા નહીં મળે। જંગલોના વિનાશ તેમજ પાણીના સુકાવાથી સૂર્ય અગ્નિ વરસાવશે। તે સમયે ભયંકર તાપમાન હશે। પૂજા પાઠ અને ધાર્મિક કામોનો સંપૂર્ણ રીતે અંત આવશે અને આવી રીતે પૃથ્વી ઉપર રહેલા તમામ જીવોનો અંત આવશે। આ વિડીયોમાં આપણે દુનિયાના વિનાશની વાતો ઉપર વિસ્તારથી ચર્ચા કરી। બધી જ વાતો આપણા ધર્મગ્રંથો અને પુરાણોના આધારિત કરવામાં આવી છે। જો આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારીનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનો ન ભૂલતા। આવા જ સારા સારા જાણકારીસભર વિડીયોની માહિતી મેળવવા હમણાં જ આપણા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને ચેનલ સાથે જોડાઈ જવા ખાસ વિનંતી। હવે આપણે મળીશું એક આવા જ નવા જાણકારીસભર વિડીયોમાં। ધન્યવાદ।